दोस्तों, दूसरे विश्व युद्ध का अंतिम समय जब यूरोप में युद्ध समाप्त हो चुका था, जर्मनी सरेंडर कर चुका था और अब एक्सिस पावर में जापान ही एक ऐसा देश बचा था जो अभी भी सरेंडर के मूड में नहीं था। यानी कि एक तरफ था जापान जिसके सामने दुनिया के बड़े बड़े देशों की आर्मी खड़ी थी, ब्रिटिश एम्पायर, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और चीन, यहाँ तक कि सोवियत यूनियन भी। हालांकि सोवियत यूनियन बहुत बाद में पिक्चर में आया था, लेकिन फिर भी इन बड़े बड़े देशों के सामने जापान सरेंडर को तैयार नहीं था। जापान ओकिनावा की लड़ाई हार चुका था। जापान के सभी शहर हवाई हमले झेल रहे थे, सिर्फ एक क्योटो शहर ही बचा था, बाकी सभी शहर हवाई हमलों में लगभग नष्ट हो चुके थे। लेकिन फिर भी बात वहीं अटक जाती है कि जापान सरेंडर को तैयार क्यों नहीं था। तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत हो चुकी है। मेरा नाम है विकास और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या जापान को बिना परमाणु बम के हराना इतना मुश्किल क्यों था। तो आइए शुरू से शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहले बात करते हैं राष्ट्रवाद की, यानी कि नेशनलिज्म की। आप मानो या ना मानो, लेकिन यकीन मानिए, राष्ट्रवाद की सोच या तो एक देश को बहुत आगे ले जा सकती है या उसे बर्बाद भी कर सकती है। इसी राष्ट्रवादी सोच के साथ आज हमारा देश भी आजाद हुआ था, लेकिन इसी राष्ट्रवाद के कारण प्रथम विश्व युद्ध भी शुरू हुआ था और इसी राष्ट्रवाद के कारण हिटलर ने अपने ही देश को बर्बाद भी कर दिया था। जब युद्ध अपने पीक पर था, तब एलाइड पावर के जितने भी देश थे उनके और एक्सिस पावर के देशों से लड़ रहे सैनिकों की सोच में काफ़ी अंतर था। जैसे अमेरिकन सैनिक, जिनमें से कई सैनिक अपने बच्चों की फीस के लिए लड़ रहे थे, तो कई सैनिक अपने घर के लोन के लिए। वही ब्रिटिश एम्पायर के अधिकतर सैनिक ब्रिटिश इंडिया या अफ्रीका से थे, जिनके मन में कहीं ना कहीं ब्रिटिश एम्पायर के खिलाफ ही नफरत थी। अधिकतर सैनिक अपनी रोजी रोटी के लिए लड़ रहे थे, लेकिन जर्मनी और जापान के सैनिक अपने राष्ट्र के लिए लड़ रहे थे। इसलिए शुरुआती लड़ाई में जर्मनी और जापान दोनों ने ही बड़ी बड़ी सफलताएँ हासिल की थी। हालांकि एक समय जब सोवियत यूनियन में राष्ट्रवाद फैला, तो जर्मनी का राष्ट्रवाद थोड़ा फीका पड़ गया और जर्मन सेनाएं पीछे हटने लगी, लेकिन जापानी सैनिकों का राष्ट्रवाद कभी कम नहीं हुआ। क्योंकि जैसे जैसे जापान युद्ध हार रहा था, वैसे वैसे जापानी सैनिकों का राष्ट्रवाद और बढ़ रहा था। जैसे कि ओकिनावा की लड़ाई में हुआ था, जहां हारने के बाद जापान के 90% सैनिकों की जाने चली गई, क्योंकि अधिकतर जापानी सैनिकों ने, यहाँ तक कि जैपनीज जनरल ने भी सरेंडर के बजाय आत्महत्या करना जरूरी समझा। अलाइड पावर के लिए जापान को जितना और मुश्किल होते जा रहा था, और इस मुश्किल को और बढ़ा दिया था जापान के कामिकेस पायलटों ने। दरअसल अक्टूबर 1944 के बाद तक जापान कई महत्वपूर्ण लड़ाई हार चुका था। उनके बेहतरीन पायलट मारे जा चुके थे, विमान भी पुराने हो चुके थे, जापान की एयरफोर्स दिनों दिन कमजोर होती जा रही थी। ऐसी स्थिति में जापान ने कामिकेज रणनीति का उपयोग करना शुरू कर दिया। दोस्तों, जापान में आत्मसमर्पण करना शर्मनाक माना जाता है। अगर आपने समुराई के बारे में थोड़ा पढ़ा है तो आप अच्छे से जानते होंगे, यह सैनिक आत्मसमर्पण करने के बजाय आत्महत्या करना पसंद करता है। एक अमेरिकन रिपोर्ट के अनुसार करीब 2,800 कामिकेज विमानों ने अमेरिका के 34 जहाजों को डुबो दिया था और 308 जहाजों को नुकसान पहुंचाया था, जिसमें करीब 4,900 अमेरिकी नौसैनिक मारे गए थे। हालांकि ये आंकड़े अमेरिका के हैं, जापान के आंकड़ों के अनुसार अमेरिका को 80% नुकसान हुआ था वो कामिकेज पायलटों ने ही किया था। हालांकि बाद में जापान की यह रणनीति उतनी कारगर सिद्ध नहीं हुई थी, क्योंकि जापान इस रणनीति में अपने अनुभवी पायलटों का इस्तेमाल नहीं करता था, बल्कि नए लोगों को 2 महीने की ट्रेनिंग देकर पुराने विमान पकड़ा देता था और मिशन पर भेज देता था। और मिशन तो बस यही था कि जाओ और दुश्मनों के जहाजों पर अपने विमान को गिरा दो। लेकिन अमेरिका और ब्रिटेन के पास अनुभवी पायलट थे, जो बड़ी ही आसानी से कामिकेज पायलटों को रास्ते में ही खत्म कर देते थे। अलाइड पावर ने इन हमलों को रोकने के लिए एक रणनीति भी बनाई थी, जिसे बिग ब्लू ब्लैंकेट का नाम दिया गया। होता यह था कि जहाजों में लगे रडार पहले ही आने वाले खतरों को भांप लेते थे और इन्हें रोकने के लिए अलाइड पावर अपने विमान पहले ही भेज देते थे, और ये पायलट इतने अनुभवी होते थे कि रास्ते में ही कामिकेज पायलटों को खत्म कर देते थे। सो बाद में इन हमलों से कामिकेज इतना नुकसान नहीं पहुंचा पाए थे, लेकिन नुकसान तो नुकसान होता है, जो कामिकेज पायलट पहले ही काफी कर चुके थे। इन हमलों से ये तो तय था कि जापानी सरेंडर करने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है, वो मर जाएंगे लेकिन सरेंडर नहीं करेंगे। साथ ही जापान की थल सेना
लड़ाई के मामले में एलाइड पावर के सैनिकों से कहीं आगे थी। जापानी सैनिकों को रात में और जंगलों की लड़ाई में अच्छा खासा अनुभव था, या यूं कहें कि एलाइड पावर के सैनिकों से कहीं आगे थे। एलाइड पावर के सामने समस्या यह थी कि सोवियत यूनियन अभी भी जापान के साथ शांति संधि में था। वह जापान के खिलाफ अपनी सेना नहीं उतार रहा था, क्योंकि अगर यूरोप में देखें तो वो सोवियत यूनियन की आर्मी ही थी जिसने पुराने हथियारों के बावजूद भी जर्मन आर्मी को पीछे धकेल दिया था। हाँ, अगर स्टालिन समय से जापान पर हमला शुरू कर देते तो शायद अमेरिका और ब्रिटेन पर उतना दबाव नहीं आता। वही बात करें जापान की, तो जापान की सरकार ये अच्छे से जानती थी कि जीत की तो कोई संभावना है ही नहीं, क्योंकि ना तो जापान के पास अब एलाइट के मुकाबले उतनी ताकत है और ना ही उतने रिसोर्सेस। जापान जो भी कर रहा था उससे बस युद्ध और लंबा खींच रहा था, और जापान में लोग लगातार मारे जा रहे थे क्योंकि हर दिन जापान पर हवाई हमले बढ़ते जा रहे थे। लेकिन लोगों को अभी तक यह नहीं पता था कि उनका देश हार की कगार पर है। जापानी प्रोपेगेंडे के तहत पूरे देश में लोगों को बस गलत जानकारी दी जा रही थी। वहीं ऊपर से एलाइड पावर ने जापान पर दबाव डाला था बिना शर्त आत्मसमर्पण का, जिस कारण से भी जापान की सेना युद्ध में बनी हुई थी। जापान का अनुमान था कि वो युद्ध को इतना खींच देंगे ताकि एलाइड पावर जापान की कुछ शर्तों को मान लेगी, साथ ही जापान को एक सम्मानपूर्वक युद्ध का अंत मिल जाएगा। वो जापान की जियोग्राफी देखें तो जापान सैकड़ों आइलैंड से मिलकर बना हुआ एक देश है, इसलिए एलाइड पावर को कब्जा करने के लिए यहाँ के हर एक द्वीप पर लैंडिंग करनी होगी। मतलब ज्यादा नुकसान तो एलाइड पावर का ही होगा, जैसा कि नॉर्मेंडी लैंडिंग में हुआ था, जहाँ पर चंद जर्मन सैनिकों ने एलाइड पावर को अच्छा खासा नुकसान पहुँचाया था। कुल मिलाकर जापान को जीतना आसान नहीं था, अगर जीत होती भी तो शायद एक दो साल युद्ध और आगे खींच जाता। इसी बीच अमेरिका ने परमाणु बमों का सफल परीक्षण कर लिया था। एक थ्योरी यह भी निकलकर सामने आती है कि अमेरिका परमाणु बम के जरिए अपनी धौंस पूरी दुनिया पर दिखाना चाहता था, और जापान से अच्छी जगह उसे कहां मिलती, इसलिए जापान पर इन्वेजन करने के बजाय परमाणु बमों का इस्तेमाल किया गया। वही सोवियत यूनियन ने जापान पर हमले की योजना 15 अगस्त तक बनाई थी, लेकिन पहला परमाणु बम गिरने के बाद स्टालिन ने 8 अगस्त को ही अपनी सेना जापान के खिलाफ उतार दी। स्टालिन को थोड़ा सा भी अंदाजा नहीं था कि अमेरिका परमाणु बम से हमला कर देगा। वही दूसरे परमाणु हमले के बाद जापान का एक तबका अभी भी सरेंडर को नहीं चाहता था, लेकिन जापान के सम्राट आत्मसमर्पण का मन बना चुके थे। हालांकि जापान के राष्ट्रवादियों ने सम्राट के तख्ता पलट की भी कोशिश की, लेकिन वे सफल नहीं हो पाए। अंत में सम्राट ने रेडियो के जरिए आत्मसमर्पण की घोषणा कर दी। और दोस्तों, आत्मसमर्पण की घोषणा के बाद जापान में आत्महत्याओं का दौर शुरू हो गया, क्योंकि जापानी आत्मसमर्पण को शर्मनाक मानते हैं, इसलिए कई आर्मी से जुड़े लोगों ने आत्महत्या करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि कुछ आम लोगों ने भी आत्महत्याएं की। इसीलिए दोस्तों, जापान को जीतना इतना आसान नहीं था, और एलाइड पावर जापान को जीत भी नहीं पाई थी। ये तो परमाणु बमों की धौंस थी जिसके कारण जापान झुक गया था। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।